बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप दोस्तों तक पहुँचती रहे, क्योंकि मैं खुद मलेशिया में होता हूँ, यहाँ की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। कोई भी दोस्त मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, उस पर मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो मैं आज उस दोस्त से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले मलेशिया में आया, विजिट वीज़े पे आया, ठीक है ना। वो कैसे आया, कितने पैसे दे के एजेंट को आया और मलेशिया एयरपोर्ट पे क्या क्या सवालात किए जाते हैं, क्या डिपोर्ट होते हैं आदमी के नहीं होते हैं, वो तमाम सवालात आज उस दोस्त से पूछने जा रहे हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो आपको मैं उस दोस्त से मिलाता हूँ, ठीक है ना। ये वो दोस्त हैं जो कुछ दिन हुए हैं कि अभी मलेशिया पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब। अयूब पाकिस्तान कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान बुनियर बोनी से। मैं तो खान भाई है ना, तो आप उर्दू बोलेंगे या थोड़ा बोलेंगे? तो अच्छा, आप पाकिस्तान में क्या करते थे? पाकिस्तान में रक्षा काम कर रहे थे। रक्षा का काम करते थे। रक्षे में आप कितनी सैलरी कमा रहे थे? रक्षा कहाँ, मर्दान में? कहाँ? पेशावर में। पेशावर में। तो दिहाड़ी कितनी मिल जाती थी? कभी 1800, कभी 2000, कभी 1500। 1500 पाकिस्तानी? 1500 पाकिस्तानी, 1500। और फिर आपका मलेशिया आने का कैसे दिल कर गया कि आप मलेशिया आए? और ज़्यादा लोग तारीफ़ें करते हैं कि मलेशिया में इतना कमाता है, इतना कमाता है, हमें इतना कमाता है। अच्छा, 1 लाख 2.5 लाख बस इसके लिए। अच्छा, तो फिर आप वो 2.5 लाख 2 लाख के चक्कर में आप मलेशिया आ गए? मलेशिया गया। तो आप वहाँ से एजेंट के थ्रू आए हैं या आपने खुद वीज़ा अप्लाई किया? एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू। आपने खुद वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया? यार खुद तो वीज़ा अप्लाई करने का मतलब मुश्किल है, मुश्किल है। सही है। आपने एजेंट को कितने पैसे दिए थे? 3,50,000 तीन विजिट के लिए। 3,50,000। तो भाई ये लोग देखें, मैं बार बार वीडियो में बता चुका हूँ कि यार इतना महंगा वीज़ा नहीं है विज़िट का, लेकिन ऐसे दोस्त मजबूरन दे के आते हैं क्योंकि उनको डर होता है। यार एक तो उनको ये विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का पता नहीं है, दूसरा ये सोच में पड़े रहते हैं कि यार हम अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ क्या हालात होंगे, पता नहीं पूछेंगे क्या क्या सवालात करेंगे, तो इस डर की वजह से वो एजेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने वहाँ 3.5 लाख रुपया दिया। हाँ, एजेंट से एग्रीमेंट क्या हुआ था आपका? कुछ एग्रीमेंट भी किया है कि नहीं? हाँ, उसने यही एग्रीमेंट किया कि आप मुझसे डन पे जा रहा है। डन पे जा रहे हैं? डन का मतलब क्वार्टर सेटिंग? हाँ, क्वार्टर सेटिंग। ठीक है। अच्छा, तो मतलब आपने डन पे बात की उससे, 3 लाख उसको पहले दे दिए हैं, 3.5 लाख। लेकिन एग्रीमेंट में कुछ और भी लिखवाया है कि अगर आप वहाँ से जहाँ अगर एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट हो जाते हैं, वो टिकट जो है वो आपने करवाना है या वो ही एजेंट करवा के? एजेंट करवाना है। तो आप दोबारा आप अभी आए हैं जब एयरपोर्ट पे, तो आपको कोई मसला हुआ है क्या? आप डिपोर्ट हुए हैं या? यार मसला होता हुआ था, मतलब हुआ, आप डिपोर्ट हो गए थे। आप क्या मसला हुआ था? मसला ये हुआ था कि एक दफ़ा मैंने काउंटर पे आया था, उसने मुझे बोला कि जाओ ऑफिस जाओ, वापस जाओ, ऑफिस जाओ, ऑफिस। अच्छा, ऑफिस जाओ, ऑफिस जाओ। अच्छा अच्छा। मैंने एजेंट को रिंग किया था कि वो इस तरह कहा, एजेंट ने फिर दूसरा। अच्छा, ऑफिस जो इमिग्रेशन का होता है, जो जहाँ मालूमात लेती हैं, वो वाला ऑफिस, मतलब उस ऑफिस में उन्होंने बोला कि आपसे। फिर मैंने एजेंट को कॉल किया था कि वो इस तरह कहा कि जो ऑफिस जाओ, ठीक। उसने फिर मुझे दूसरा काउंटर दिया। अच्छा, मैंने दूसरा काउंटर के पास आया, उसने मुझे बताया कि किस लिए आया हूँ। मैंने उसको इंग्लिश में कहा कि टेल मी इन इंग्लिश हो। उसने मुझे ही पूछा कि आप किस लिए आए। मैंने उसको कहा कि मैं विजिट पे आया हूँ। सही है, चक्कर के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के मतलब लिए सवाल आते उसने किए थे, ठीक है। उसने कहा कि कितने अरसे के लिए। मैंने उसको बताया कि 1 महीने के लिए, ठीक है। फिर उसने पूछा कि आपके पास क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स। मैंने उसको शू किया था, ठीक है। फिर उसने कहा कि आपके पास डॉलर वगैरह। मैंने उसको रंगट शू किया, मनी शो, ठीक है, सही है। फिर उसने फिंगर लगा दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। पहली बार या दूसरी बार? तीसरी बार। तीसरी बार, मतलब पहली दो बार आप डिपोर्ट हुए हैं। तो जो आप डिपोर्ट हुए थे वो टिकट आपका था या वो उसी में मेंशन किया था एजेंट ने, जो आपने एजेंट को पैसे दिए हुए थे वो आपने पैसे दोबारा जब टिकट करवाए तो आपके अपने पैसे थे या वही एजेंट ने? एजेंट ने, एजेंट की जिम्मेदारी, ठीक है। तो आप जब तीसरी बार आए तो फिर क्या हुआ, मतलब आपको एजेंट सवालात क्या हुए, एयरपोर्ट पे क्या पूछा गया?
या उधर से एजेंट डन पे क्या आपको क्या डन पे क्या होती है कि वो एजेंट बता देती हैं कि आपने इस काउंटर पे जाना है या हाँ उसने बता दिया मुझे कैसे मतलब उसने बोला है कि आपने इस काउंटर पे जाना है हाँ काउंटर पे जाना है काउंटर सेटिंग पे जाना है तो जब आपने उसने बोल दिया तो आप जब उसने नंबर पे जिस काउंटर नंबर पे भेजा आपने वहाँ भी सवालात उस आदमी ने पिक किया आपसे उस आदमी ने इमिग्रेशन वाले ने उसने किया क्या क्या पूछा उसने उसने किया कि किस लिए किस तरह आ गया आपके पास क्या चीज है ठीक है तो वो तो डन बेस पे था वो क्यों पूछ रहा था आपकी डन बेस पे बात मुझे थी ना? पता नहीं उधर एजेंट ये बात कर रहा है कि डन पे इधर आपसे कुछ पूछना नहीं इमिग्रेशन वगैरह अच्छा इधर फिर मामला बदल हो गया था अच्छा तो आप फिर पहुंच गए इधर अच्छा ये बताएं अभी मलेशिया आपको कैसा लगा मलेशिया पाकिस्तान की अच्छा नस्बत मलेशिया कैसा है और काम के लिहाज से कैसा है अभी तो आप काम पे नहीं लगे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआ करेंगे आपको काम मिल जाए जल्दी से इंशाल्लाह काम बहुत ज्यादा इधर हो ठीक है पैसे बहुत ज्यादा मिलता है इधर हो लेकिन एयरपोर्ट बहुत सख्त है एयरपोर्ट सख्त है बहुत सख्त है और जो दोस्त अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलेंगे कि वहाँ से किस तरीके से आए लीगल तरीके से आए एजेंट के थ्रू आए या क्या मतलब आप उन दोस्तों को क्या मशवरा देंगे मैंने इन लोगों को यही मशवरा दिया कि लीगल पे आ जाओ लीगल पे आ जाओ विजिट मिजिट छोड़ो विजिट पे मत आओ मलेशिया की कोई विजिट नहीं है अच्छा विजिट है लेकिन अमीरों के लिए वीजा तो अमीरों के लिए है अच्छा गरीबों के लिए नहीं गरीबों के लिए नहीं सही है चलो भाई ये तो हम आप कुछ दिन हुए थे मुझे पता चला एक दोस्त ने बोला आप विजिट पे आए हुए थे तो बहुत सारे दोस्त अभी कॉलिंग वीज़ा उनको नहीं मिल रहा तो बहुत सारे दोस्तों के प्लान बन गए हैं कि हम विजिट वीज़े पे जाके मलेशिया में काम करते हैं तो भाई ये मलेशिया विजिट वीज़े पे आया है मेरा आपसे यही होता है कि आप दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ ठीक है ना और ये भाई अभी आ गए हैं मलेशिया में अल्लाह खैर करे बस खैर खैरियत से रहें काम इधर बहुत सारे मिल जाते हैं ठीक है ना लेकिन आप दोस्तों से फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा अगर जिस एजेंट के थ्रू आ रहे हैं उससे एग्रीमेंट लाजमी करवाएं ताकि अगर आप यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं तो जो आपका खर्चा हुआ है नुकसान हुआ है वो वापस मिल सके ठीक है ना तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप दोस्तों से शेयर करनी थी तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए दिन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में याद रखें लेकिन इससे पहले अगर जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।